साधक एकांत और पवित्र स्थान में कुश या ऊन के आसन पर स्वस्तिक, सिद्ध या पद्मासन आदि किसी भी आसन से स्थिर, सीधा और सुखपूर्वक बैठे और इंद्रियों को विषयों से हटाकर संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके स्फुरणा से रहित हो जाए। उसके बाद आलस्य रहित और वैराग्य युक्त पवित्र चित्त से अपने इष्ट देव भगवान का आह्वान करें। ये ख्याल रखना चाहिए कि जब ध्यान अवस्था में भगवान आते हैं तब चित्त में बड़ी प्रसन्नता, शांति, ज्ञान की दीप्ति और सारे भूमंडल में महाप्रकाश नेत्रों को बंद करने पर भी प्रत्यक्ष सा प्रतीत होता है। जहाँ शांति है वहाँ विक्षेप नहीं होता और जहाँ ज्ञान की दीप्ति होती है वहाँ निद्रा आलस्य नहीं आते। और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान से स्तुति और प्रार्थना करने पर ध्यान अवस्था में भगवान आते हैं। अपने इष्ट देव के साकार रूप का ध्यान करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। यदि कहो कि देखी हुई चीज का ध्यान होना सहज है, बिना देखी हुई चीज का ध्यान कैसे हो सकता है, तो ठीक है, किंतु शास्त्र और महात्माओं के वचनों के आधार पर तथा अपने इष्ट देव के रुचिकर चित्र के आधार पर भी ध्यान हो सकता है। इसलिए साधक को उचित है कि नेत्रों को आँख को मतलब बंद करके अपने इष्ट देव परमेश्वर का आह्वान करे और साधारण आह्वान करने से ना आने पर उनके नाम और गुणों का कीर्तन और दिव्य स्तोत्र आदि पदों का स्तुति या पाठ करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हो, करुणा भाव से गदगद हो। एक बात मैं पूछूं तो ही कारण कवन बिसारे हूं मोही। फिर यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे इष्ट देव भगवान आकाश में हमारे सम्मुख करीब 2 फीट की दूरी पर प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। उसके बाद चरणों से लेकर मस्तक तक उस दिव्य मूर्ति का अवलोकन करते हुए ये चौपाई आपको पढ़नी चाहिए कि नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। कि हे नाथ, मैं तो संपूर्ण साधनों से हीन हूँ, आपने मुझे दीन जानकर दया की है। अर्थात मैंने तो कोई भी ऐसा साधन नहीं किया कि जिसके बल पर ध्यान में भी आपके दर्शन हो सकें, किंतु आपने मुझे दीन जानकर ध्यान में दर्शन दिए हैं। इस प्रकार भगवान के आ जाने पर साधक ध्यान अवस्था में भगवान से वार्तालाप करना आरम्भ करता है। साधक बोलता है कि प्रभो, आप ध्यान अवस्था में भी प्रकट होने में इतना विलम्ब क्यों करते हैं? पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते? इतना तरसाते क्यों हैं? भगवान बोलते हैं कि तरसाने में ही तुम्हारा परम हित है। तरसाने में क्या हित है मैं नहीं समझता, मैं तो आपके पधारने में ही हित समझता हूं। तो भगवान बोलते हैं कि विलंब से आने में विशेष लाभ होता है। विरह व्याकुलता होती है, उत्कट इच्छा होती है, उस समय आने में विशेष आनंद होता है। जैसे विशेष क्षुधा लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है। साधक बोलता है ठीक है, किंतु विशेष विलंब से आने पर जो निराशा होती है उसको भी तो नहीं छोड़ सकते। तो भगवान बोलते हैं यदि मुझ पर इतना ही विश्वास जो है आपको नहीं है और मेरे आने में विलंब होने के कारण जो साधक उकता कर ध्यान छोड़ सकता है उसको दर्शन देकर होगा ही क्या? साधक बोलता है कि ठीक है, किंतु आपके आने से आप में रुचि तो बढ़ेगी ही और उससे साधन भी तेज होगा, इसलिए आपको पुकारने के साथ ही पधारना उचित है। भगवान कहते हैं उचित तो वही है जो मैं समझता हूँ और मैं वही करता हूँ जो उचित होता है। साधक कहता है प्रभु, मुझे वैसा ही मानना चाहिए जैसा आप कहते हैं, किंतु मन बड़ा ही दुष्कर है, बड़ा ही पाजी है, वह मानने नहीं देता। आप कहते हैं वही बात सही है, फिर भी मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और आप तुरंत आ जाएं। ये बतलाओ कि वह कौन सी पुकार है जिस एक ही पुकार के साथ आप आ सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि गोपियों की भांति जब साधक मेरे ही लिए विरह से तड़पता है तब वैसे आ सकता हूँ, या मुझमें प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र की भांति जब आतुरता से व्याकुल होकर पुकारता है तब आ सकता हूँ, अथवा प्रहलाद के सदृश निष्काम भाव से भजने वाले के लिए बिना बुलाए भी आ सकता हूँ। साधक बोलता है कि विरह से व्याकुल करके आते हैं, यह आपकी कैसी आदत है? आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं? भगवान बोलते हैं कि विरह जनित व्याकुलता की तो बड़े ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह व्याकुलता से प्रेम की वृद्धि होती है, फिर भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता
उसको सदा के लिए मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। साधक, आपको कभी कार्य होता हो तो आप प्राय लक्ष्मण और शत्रुघ्न के ही सुपुर्द करते, भरत को नहीं। इसका क्या कारण था? भगवान कहते हैं कि प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था। साधक, फिर उन्होंने 14 साल तक वियोग कैसे सहन किया? भगवान, मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा और उसी विरह से प्रेम की इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ। साधक, पर उस विरह में आपने भरत का क्या हित सोचा? भगवान, 14 साल का विरह सहन करने से वह विरह और मिलन के तत्वों को जान गया। फिर एक क्षण भर का वियोग भी उसको एक युग के समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण उसको कैसे होता? साधक, विरह की व्याकुलता से निराशा भी तो हो सकती है। भगवान, ये तो मैं कह ही चुका हूं कि ऐसे पुरुषों के लिए फिर दर्शन देने की आवश्यकता ही क्या है। साधक, फिर ऐसे पुरुषों को आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? भगवान, जिस किस प्रकार से मुझमें श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। साधक, क्या बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन नहीं हो सकते? भगवान, हाँ, नहीं हो सकते, यही नीति है। साधक, क्या आप रियायत नहीं कर सकते? भगवान, किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए, यह तो विषमता का दोष आता है। सब पर रियायत नहीं हो सकती। साधक, क्या ऐसी रियायत कभी हो भी नहीं सकती? भगवान, हाँ, अनंत काल के लिए ऐसी रियायत है। उस समय बिना श्रद्धा और प्रेम के भी केवल मेरा स्मरण करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। साधक, फिर उसके लिए भी यह विशेष रियायत क्यों रखी गई है? भगवान, उसका जीवन समाप्त हो रहा है, सदा के वास्ते वह इस मनुष्य शरीर को त्याग कर जा रहा है, इसलिए उसके वास्ते यह खास रियायत रखी गई है। साधक, यह तो उचित ही है कि अनंत काल के लिए वह विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंत समय में मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहते, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं है। भगवान, इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। साधक, आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, इसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किंतु चंचल और उद्दंड मन के आगे मेरी कोशिश चलती नहीं। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए वहाँ वहाँ से उसको लौटाकर प्रेम से समझाकर मुझ में पुनः लगाना चाहिए, अथवा मुझको सब जगह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ भी मेरा चिंतन करना चाहिए। साधक, यह बात मैंने सुनी है, पढ़ी है और मैं समझता भी हूँ, किंतु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती। उस समय मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, इस कारण आपका स्मरण भी नहीं रहता। भगवान, आसक्ति के कारण। यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है। आसक्ति नाश और आदत सुधारने के लिए महापुरुषों का संग तथा नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। साधक, यह तो यत्किंचित किया भी जाता है और उससे लाभ भी होता है, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यह भी तो हर समय नहीं होता। भगवान, इसमें दुर्भाग्य की कौन सी बात है? इसमें तो तुम्हारी ही कोशिश की कमी है। साधक, प्रभो, क्या भजन और सत्संग कोशिश से ही होते हैं? सुना है कि सत्संग पूर्व पुण्य इकट्ठे होने पर ही होता है। भगवान, मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो कोशिश होती है वह अवश्य सफल होती है। उसमें कुसंग, आसक्ति और संचित बाधा तो डालते हैं, किंतु इसके तीव्र अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाता है और उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होती है, और फिर विघ्न बाधाएं नजदीक भी नहीं आ सकती। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के लिए किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, वह नवीन शुभ कर्मों के होने में बाधा नहीं डाल सकता। जो बाधा प्राप्त होती है वह साधक की कमजोरी से होती है। पूर्व संचित पुण्यों के सिवा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कोशिश करने पर भी मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है।